नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। विदेश यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए 9 महीने से पहले कोविड-19 एहतियाती खुराक की सिफारिश। बैठक में NTAGI ने रखा प्रस्ताव। बम भोले की गूंज के साथ खुला केदारनाथ के कपाट। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर ध्यान देने की जरूरत। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, पीएम मोदी की इजराइल यात्रा के बाद संबंधों को मिली गति दोनों देशों के लिए काफी अच्छा रहेगा। रेलवे की NTPC परीक्षाओं के लिए चलेगी 65 से अधिक स्पेशल ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। स्मार्ट बनेंगे यूपी के सभी गांव। ग्राम सचिवालयों में मिलेगी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी और मुफ्त वाईफाई की सुविधा। अयोध्या को जलवायु स्मार्ट सिटी बनाने जा रही योगी सरकार। क्लाइमेट चेंज के प्रभाव से बचने के लिए होगा खास प्रबंध। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शत्रु संपत्ति मामले में सपा विधायक आजम खान की जमानत पर निर्णय किया सुरक्षित। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे को भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का अल्टीमेटम। उत्तर भारतीयों से मांगे माफी तब अयोध्या में एंट्री। लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा के लिए 2.47 लाख अभ्यर्थी हुए शॉर्टलिस्ट। कट ऑफ अंक किया गया जारी। यूएन में बोला, भारत युद्ध की वजह से आसमान छू रही तेल की कीमतें। खाद्यान्न और उर्वरकों की भी कमी। इसराइल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अज्ञात हमलावरों ने की गोलीबारी। 3 लोगों की मौत और 4 घायल। एलन मस्क ट्विटर के अस्थायी सीईओ के रूप में संभाल सकते हैं पदभार। रिपोर्ट में जताई गई संभावना। हिटलर को यहूदी बताने वाले लावरोव के बयान पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जताया खेद। नफ्ताली बेनेट से फोन वार्ता के दौरान मांगी माफी। स्टील फैक्ट्री में आमने सामने की लड़ाई। स्टीक अमेरिकी सूचना पर मारे जा रहे रूसी सैन्य अफसर। दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर ने क्रिस गेल को पीछे छोड़ा, साथ ही कई अन्य रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। चोटिल टाइमल मिल्स की जगह विकेटकीपर बल्लेबाज ट्रिस्टन मुंबई इंडियंस टीम में हुए शामिल। मुंबई के ब्रिबॉन स्टेडियम पर दिल्ली कैपिटल्स ने दर्ज की 5वीं जीत। हैदराबाद को 21 रन से हराया। सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज उमरान मलिक ने इस आईपीएल की सबसे तेज गेंद फेंकी। एमसीसी के नए अध्यक्ष चुने गए। स्टीफन फ्राई अक्टूबर में संभालेंगे जिम्मेदारी। अमिताभ बच्चन की झुंड को मिली सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी। ओटीटी पर रिलीज हुई फिल्म। कानूनी शिकंजे में फंसे एक्टर सूर्या, उनकी पत्नी और जय भीम के निर्देशक कोर्ट ने दिए FIR दर्ज करने के निर्देश। जैकलीन फर्नांडिस को सुकेश चंद्रशेखर। मामले के बीच सलमान खान के साथ पार्टी करने पर किया जा रहा ट्रोल। रणवीर सिंह की फिल्म जयेश भाई जोरदार पड़ी कानूनी पचड़े में। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर।
सामंथा रुद्र प्रभु की यशोदा का टीजर आउट, रहस्यमय दुनिया की दिखी झलक। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सर।